नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ रूपिका कश्यप। कुछ लोगों का शौक जुनून बन जाता है और ऐसा जुनून जिसे पूरा करने के लिए वे पैसे की भी परवाह नहीं करते। यही जुनून संदीप चौरसिया को आम लोगों से खास बनाता है। संदीप चौरसिया, जिनकी नौकरी और पहचान दोनों ही उनके शौक और जुनून की देन है, पोस्टल स्टैम्प्स डाक टिकटों को इकट्ठा करने का गहरा शौक रखते हैं। उनका कलेक्शन अपने आप में इतिहास को बयां करता है। इस बारे में बात करते हुए संदीप बताते हैं, जब मैं कक्षा 5 में था तब मैंने पहली बार अपने एक दोस्त के घर एक डायरी में लाल लाल डाक टिकट देखे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये डाक टिकट है। उस समय से मुझे डाक टिकटों को इकट्ठा करने का जुनून हो गया। इसे फिलेटेली कहते हैं। उनका यह शौक कक्षा 5 से लेकर आज तक बरकरार है। शुरुआत उन्होंने जिला स्तर से की, फिर प्रदेश और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली है। अब तक उन्हें 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी उनके नाम हैं। जिला स्तर पर भी उन्हें कई बार सम्मानित किया गया है। उनके संग्रह में 1892 का मोहर लगा डाक टिकट है। इसके अलावा देश की आजादी के पहले के डाक टिकट भी हैं। इनमें क्यून विक्टोरिया के शासनकाल का 1947 से पहले का डाक टिकट भी शामिल है। संदीप चौरसिया ने गर्व से बताया है कि उन्हें सिंगापुर, मकाऊ और थाईलैंड में भी पुरस्कार मिल चुके हैं। वे भविष्य में और ऊंचाई छूने की तैयारी में है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संदीप चौरसिया ने कहा, देखिए मैं जो हूँ, जब क्लास 5 में था तो एक मेरे एक दोस्त के भाई के पास एक देखा था कि एक डायरी पे कुछ लाल लाल टिकट जैसा चिपका हुआ है। तो मैंने देखा, उनसे पूछा, भैया ये क्या, तो बताया ये डाक टिकट होता है। और क्लास 5 में था, वहीं से मेरा वो जुनून चढ़ा कलेक्शन करने का। और उसके बाद जो है, मैं इसके जब बारे में जानने की कोशिश किया तो इसको जो है फ्लैटली बोलते हैं। फ्लैटली का मतलब होता है कि डाक विभाग द्वारा जारी डाक टिकट, लिफाफा, पोस्टकार्ड, अंतर्देशी इत्यादि के कलेक्शन को फ्लैटली बोलते हैं। तो ये क्लास 5 से मुझको शौक लगा और जो आज लंबे समय तक मैं करते हुए इसको, मैं जिला स्तर से शुरुआत करके मैं राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तर तक, फिर राष्ट्रीय स्तर तक, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मैं गया हूँ। मुझको 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं और करीब 10 हमको राज्य स्तर का पुरस्कार मिल चुका है। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में, डाक विभाग के कार्यक्रमों में मुझको आमंत्रित किया जाता है, जहाँ पे मैं बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता, सेमिनार की प्रतियोगिता और जूरी के कार्य को भी करता हूँ और बच्चों को प्रशिक्षण देने का भी कार्य करता हूँ। अगर डाक टिकट की बात करें, रेयरेस्ट आपके पास कौन सा कलेक्शन? देखिए मेरे पास जो रेयरेस्ट अभी है, 1892 का एक पत्र मेरे पास है, जो मेरे पास कलेक्शन में है, जिसपे डाक टिकट नहीं लगा होता था। आज़ादी से पहले का जो है पूरा संग्रह है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले के एक 1892 का ये एक पत्र है जिसपे कि कोई डाक टिकट भी नहीं लगा हुआ है। इसमें से मोहर लगी होती थी और उस मोहर लगा होने का मतलब था कि इसका पैसा चुका दिया गया है। और इसके बाद से क्वीन विक्टोरिया का शासन आया देश में, ये क्वीन विक्टोरिया का शासन में ये है, इनका क्वीन विक्टोरिया का है। क्वीन विक्टोरिया के बाद किंग एडवर्ड आए, किंग जॉर्ज 5 आए, फिर किंग जॉर्ज 6 आए 1947 तक। तो ये पूरा इतिहास जो है डाक टिकटों के माध्यम से आज़ादी के इसके पहले का मेरे पास कलेक्शन है। बहुत रेयर कलेक्शन है जिसको मैंने संग्रह किया है और इसको राष्ट्रीय स्तर तक इस पर जो है पुरस्कार के प्राप्त मिल चुका है मुझको। अगर राष्ट्रीय और नेशनल, इंटरनेशनल की बात करें तो कहाँ कहाँ तक गया है, सफर कहाँ तक है? देखिए मेरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने अपने कलेक्शन पर जो है सिंगापुर, मकाऊ और थाईलैंड में पुरस्कार मुझको मिल चुका है, अवार्ड मेडल मुझको मिला हुआ है। और भी आगामी और भी आगे जाने की तैयारी है, मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ और संभवतः दिसंबर जनवरी तक मैं काके कंट्री में मेरा और लगने वाला है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी और तेज धूप से लोग बेहाल थे, लेकिन मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में भी बीच बीच में हल्की बारिश होने की संभावना है। आप प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए।
खुशबू तो लीजिए। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार के नेतृत्व में शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दौरान पेडलेगंज से टीपी नगर मार्ग और शहर के अन्य क्षेत्रों में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 257 वाहनों का चालान किया गया और 7 वाहनों को जब्त किया गया। इसके अलावा नो एंट्री क्षेत्र में चल रहे 11 ट्रैक्टर ट्राली के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शहर में चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1056 वाहनों का चालान किया गया और 74,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा है कि यह अभियान आगामी त्योहारों को देखते हुए आम जनता को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए चलाया गया है। उन्होंने बताया है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, यातायात पुलिस के द्वारा कल अभियान चलाया गया था। देखा जा रहा था कि पेडलेगंज से रुस्तमपुर के एरिया में जहां फ्लाईओवर बन रहा है वहां रोड काफी चौड़ी हुई है, स्पेस बना है, तो उसको देखते हुए बहुत से लोग वहां पर अपने वाहनों को पार्क कर रहे थे, ट्रक और जैसे और लोडर जैसे बड़े वाहन वहां पार्क हो रहे थे। इसके अलावा बहुत से दुकानदार वाहनों के वहां अपने वाहनों को सड़क पर लगाए हुए थे। इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई जिससे रोड को साफ कराया जा सके। 257 वाहनों का चालान किया गया। 7 गाड़ियां जिनको ओनर वहाँ नहीं थे यार्ड मिलाई गई थी, उनको सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पूरे दिन में विभिन्न मदों में 256 गाड़ियों का चालान किया गया है। 74,000 रुपये का जुर्माना हुआ है और विगत 3-4 दिनों में 11 ऐसी ट्रालियां, ट्रैक्टर ट्रालियां जो रोड पर चल रही थी, सवारी ढूंढने काम कर रही थी, उनको सीज करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखा जा रहा है कि वो दिखाई सर्विसर लगा के या मॉडिफाइड साइलेंसर स्टंट वालों के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है और उससे बहुत कमी आई है, अब नहीं सुनाई पड़ते हैं। और जो भी हैं इसे दुकानदारों को भी रोका गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी जो लोग मॉडिफाइड साइलेंसर बेचते हैं, और जो बाइकर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। तो इसमें नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने मंगलवार को निगम के सभागार में आयोजित संभव दिवस में नागरिकों की समस्याएं सुनी। शासन के निर्देशानुसार हर मंगलवार को नगर निगम में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें नगर निगम से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। आज की जन सुनवाई में नागरिकों ने मुख्यतः टैक्स अतिक्रमण, सड़क निर्माण और पानी से संबंधित समस्याएं रखी। नगर आयुक्त ने इन सभी समस्याओं को शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें नगर निगम से जुड़े हुए सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारीगण एक ही छत के नीचे बैठते हैं और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जितनी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका त्वरिता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाता है। उसी क्रम में आज संभव दिवस का आयोजन गोरखपुर नगर निगम मीटिंग हॉल में किया जा रहा है जिसमें अधिकतर शिकायतें टैक्स अतिक्रमण और कुछ शिकायतें सड़क निर्माण से संबंधित हैं जिसको विभाग अध्यक्षों को निस्तारण किया गया, कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जा चुका है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में स्वच्छता अभियान शुरू करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि नवरात्रि के दौरान सभी पंडालों को सजाया जा रहा है और मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए जीरो वेस्ट पंडाल कैलेंडर के अनुसार पंडालों को स्वच्छ रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि पंडाल संचालकों के साथ बैठक कर स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के दौरान उपयोग किए जाने वाले मार्गों की मरम्मत की जा रही है और अगले 2 दिनों के भीतर सभी सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। आगामी त्योहारों को लेकर चूंकि अभी नवरात्र का आज 6वां दिन है और सभी पंडाल सज रहे हैं, पंडालों को स्वच्छ बनाने के लिए जीरो वेस्ट पंडाल का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पोषक विमोचन भी किया जा चुका है। सभी पंडाल संचालकों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो मूर्ति विसर्जन का जो रूट है जहाँ पे पथ प्रकाश की व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ सड़कों को जिन सड़कों से जुलूस निकलता है उन सड़कों को भी पैचिंग का कार्य, गड्ढा मुक्ति का कार्य त्वरित गति से संचालित है और अगले 2 दिनों के अंदर सभी सड़कों को जो
विसर्जन के मुख्य मार्ग हैं, उन सड़कों को गड्ढामुक्त कर लिया जाएगा। शिल्पा जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं, शिल्पा ने अपने बच्चे को दिल्ली के एक अस्पताल में जन्म दिया। हालांकि जन्म के 2 दिन बाद ही बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिससे शिल्पा और उसके पति राहुल बेहद घबरा गए। दोनों ने तत्काल अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उपचार नहीं मिला और सलाह दी गई कि वे बच्चे को कहीं और ले जाएं। राहुल ने दिल्ली के कई अस्पतालों में प्रयास किया, लेकिन किसी भी डॉक्टर से उचित समाधान नहीं मिला। इस बीच बच्चे की मां शिल्पा ने अपने भाई गोरखपुर के रहने वाले कमलेश से संपर्क किया। कमलेश जो कि गोरखपुर पुलिस विभाग में तैनात हैं, उन्होंने ग्रीनलैंड अस्पताल के बारे में सलाह दी। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए शिल्पा और राहुल ने तुरंत गोरखपुर का रुख किया और एम्बुलेंस द्वारा ग्रीनलैंड अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी टीम ने बच्चे का केस अपने हाथ में लिया। उन्होंने बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर डीके गुप्ता को सौंपी, जो अपने अनुभव और समर्पण के साथ इस मासूम की जान बचाने में सफल रहे। आज शिल्पा और राहुल बेहद खुश हैं, उनके बच्चे का सफल ऑपरेशन हो गया है और वह स्वस्थ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रीनलैंड अस्पताल के डॉक्टर डीके गुप्ता व बच्चे की मां शिल्पा ने कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता। ये पेशेंट जो है दिल्ली में 26 तारीख को इनका बर्थ हुआ नॉर्मल डिलीवरी से। उसके बाद एक बच्चों में कंजेनाइटल डिजीज होता है जो करोड़ों लाखों में एक होता है, तो उसको हम लोग CDH बोलते हैं, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हार्निया। इसमें क्या होता है कि डायफ्राम बनता ही नहीं है और डायफ्राम नहीं बना उससे काम जो है इसका एक लंग्स डेवलप नहीं हो पाया, जो इंटेस्टाइन स्टमक में जाके लंग्स में जाके स्टेबल हो गया था। जब बच्चा हुआ तो सांस उस लेने में दिक्कत आ रही थी। फिर ये लोग दिल्ली में 2-4 अस्पतालों में गए, फिर जहाँ से लोग बोला कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। फिर इनके मामा, जो बच्चे के मामा है, गोरखपुर में क्राइम विभाग में पुलिस लाइन में हमारे 7 साल से हम लोग जान पहचान है और यहाँ पर उनके कई जान पहचान के लोगों का ऑपरेशन हो चुका है सुधीर गुप्ता सर के द्वारा। तो सुधीर गुप्ता सर को फ़ोन किया, सर हम यहीं पर लाना चाहते हैं, तो फिर वो कहकर चलाओ देखते हैं। फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग बच्चे को देखे तो बच्चे एकदम नीला पड़ा हुआ था, बच्चे साइनोसिस में था और गैस्पिंग की स्थिति में बच्चा था। तो हमारे यहाँ टॉप क्लास की वर्ल्ड क्लास टीम जो है पेडियाट्रिशियन है, पेडियाट्रिक सर्जन है, सब लोग देखे। देखने के बाद बच्चे को हम लोग लिए, लेने के बाद तुरंत हम लोग वेंटिलेटर पर रख के मैनेज किए। फिर हमारे पेडियाट्रिक सर्जन देखे, देखने के बाद रात को जो है 2D को कराया। 2D को कराया कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट आए, इको 2D को किए, करने के बाद जो है बच्चा सीख तो है ही। फिर हम लोग वहाँ जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे तो शायद सफलता मिले। तो फिर बच्चे को हम लोग प्लान किए कि सुबह 6-7 बजे ऑपरेशन किया जाए। अच्छा, उसमें भी ये वहाँ के पैसे रुपया जिनके पास था नहीं, उसमें सही पूछे तो पूरा पैसा जमा नहीं थे। हम लोग कहे कोई बात नहीं, पैसे की टेंशन छोड़ दो, हम लोग काम करते हैं। उसमें बोला गया था कि मैनेजर बोला कि पैसा जमा करो, सुधीर सर बोला कि पैसा के पास छोड़ो अगर उतना दूर से आए हैं। और हम लोग को सही पूछिए तो दिल्ली से हम लोग जब पूरे गोरखपुर और UP में कोई मरीज गड़बड़ होता है तो हम लोग दिल्ली भेजते हैं, लेकिन जब दिल्ली से पेशेंट आपके ट्रस्ट पे आ रहा है कि नहीं गोरखपुर में चल रहे हैं, ग्रीनलैंड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे CM सिटी है, एक हम लोग की आन शान मान की बात थी कि अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो हम लोग का एक नाक की बात है गोरखपुर की। ये बात पूरा सुधीर सर ने पूरे टीम को एक मोटिवेट किया। इसमें हमारे यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विजय रंजन भी बहुत एक्टिव होकर शाम को हम लोग ICU में ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन लंबा 4-5 घंटा चला, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन ऑपरेशन के बाद फिर बच्चे को हम लोग लगभग 5-7 दिन वेंटिलेटर पर रखे। अब 2 दिन पहले वेंटिलेटर से आउट किए हैं, आज बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है और आपके सामने बच्चे के पेट में जो ऑपरेशन हुआ जो बता रहे थे आप, एक टेक्निकल CDH, हाँ CDH, उसके अंदर क्या हुआ था जो बता रहे थे फेफड़ा नहीं बन पा रहा था? चूंकि ना जैसे डायफ्राम होता है बच्चे का, तो हम लोग जो डायफ्राम है तो इस डायफ्राम के ऊपर फेफड़ा है, लंग्स है, ये सब होता है, हार्ट होता है, डायफ्राम के नीचे लीवर, लंग्स और इंटेस्टाइन होता है। अगर ये अगर ब्रिज ना रहे तो ये चीज़ ऊपर चला गया, जब ये चीज़ ऊपर चला गया तो लंग्स डेवलप होना बंद हो गया। पर ये काम जनाकर चीज़ होता है। अब स्थिति क्या है बच्चे की? स्थिति तो बहुत इस समय अच्छा है, बच्चा खेल रहा है और एक्टिव है, उस वेंटिलेटर से आउट हो गया है, दूध भी फीडिंग भी होने लगा है और उम्मीद है कि हम लोग कल तक उसको माँ के हैंड ओवर कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। क्या मामला था आपके बच्चे को? दिल्ली से घूम के यहाँ पे क्या दिक्कत थी बच्चे को? बेबी वो सांस नहीं ले रहा था, सांस की दिक्कत थी वहाँ पे, मतलब सही से देखभाल नहीं, कुछ नहीं वहाँ। वो दिल्ली में बोलने का तरीका भी नहीं नर्स को है, कैसे बात करते, तमीज नहीं है जैसे बात करने का। हाँ, मेरे भैया बताए, भैया वहाँ से बुला लिए।
कि हाँ आ जाओ यहाँ गोरखपुर में सही हो जाएगा। क्या स्थिति पहले थी और अभी कैसी? अब तो बहुत सही हो गया बेबी, अब तो ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या डॉक्टर को खाना चाहिए यहाँ के डॉक्टर? हाँ यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।